वेलकम गाइज, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज मैं हूँ यहाँ पे पुणे में। तो आज हम जाने वाले हैं कहीं बाहर, जैसे कि मैं आपको दिखाई दूंगा कहाँ जा रहा है एग्जैक्टली। तो चलिए चलते हैं। इम्पोर्टेंट बात गाइज कि आपको हेलमेट यूज़ करना चाहिए। विदाउट हेलमेट आप बाइक ना चलाइए, राइड करिए। ये मैं आपको यहाँ पे सजेशन देना चाहता हूँ। तो मैं पहुंच गया गाइस, आप देख सकते हो मेरे पीछे। तो यही है गाइस शनिवार वाड़ा, ग्रीन ग्रीन सा हरा भरा यहाँ पे आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है वैसे। और ये पीछे जब मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, जैसे कि आपको पीछे का सारा नज़ारा यहाँ पे दिख जाएगा। तो यही है कुछ गाइस शनिवार वाड़ा। मैं अंदर जाके भी आपको सारा यहाँ पे दिखा दूंगा क्या है कुछ नहीं। चलो इसके अंदर जाते हैं और मैं आपकी कुछ आपको इसकी हिस्ट्री भी बता देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ की इसका आपको हिस्ट्री बताने वाला था। जैसे कि ये 1723 में ये बना था, मोस्ट मेनली ये छत्रपति शाहू महाराज उस समय उन्होंने ये बनवाया था। तो उसके बाद ये पेशवा, मराठा पेशवा इनके पास आया था। जैसे कि कुछ मूवी में पता भी चलता ही है, जैसे कि अपने बाजीराव मस्तानी में इसका मेंशन है, बहुत बढ़िया से दिखाया गया है। और फिर 1880 में ये ब्रिटिशों के पास चला गया। लाइक इन 18th सेंचुरी इट इज़ वन ऑफ द मेन सेंटर ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स दैट टाइम। तो ये ऐसी कुछ इसकी हिस्ट्री है। चलो मैं आपको सारा पहले घुमा के दिखा देता हूँ यहाँ पे। शनिवार वाड़ा लाइक गार्डन है ये। आप एक बार सेकंड फ्लोर यानी ऊपर आ जाए तो ऊपर से फिर आप सारा शनिवार वाड़ा यहाँ से घूम सकते हो ऊपर के ऊपर ही। यहाँ पे आने के बारे में भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो जैसे कि अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हो तो भी आपको डायरेक्ट ऐटो या फिर टैक्सी या फिर ओला उबर से भी आप यहाँ पे आ सकते हो। रेलवे स्टेशन से पास दूसरा बस स्टॉप से भी आप यहाँ पे आ सकते हो, उतना भी कोई मुश्किल नहीं है, वो भी यहाँ से पास में ही आएगा। और एयरपोर्ट से भी अगर आ रहे हो तो भी आप वहाँ से भी आ सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे नाम वगैरह इसका नोटेशंस वगैरह यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि आप यहाँ पे थोड़ा नोटेशंस या फिर ये सब यहाँ पे मेंशन करो कि एग्जैक्ट क्या है ये। ग्रीन काफ़ी है, काफ़ी अच्छा लगता है। छाव में अपने लोग बैठे। दोस्त गाइज आर कमिंग फ्रॉम फॉरेन, दे हैव टू पे हेयर लाइक 300 रुपीज़। आर इंडियंस हेयर, दे ओनली नीड टू पे 25 रुपीज़। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि पूरा 360 आप यहाँ पे पूरा इसे घूम सकते हो। इधर से ऐसे 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 ये घूम घूम के यहाँ तक मैं अभी हूँ। तो ऐसा पूरा 360 यहाँ पे पूरा घूम सकते हो एक बार यहाँ से स्टार्ट करने के बाद। एक बार सेकंड फ्लोर पे जाओ आप और वहाँ से पूरा आप यहाँ पे घूम सकते हो पूरा। चलो यहाँ से आगे जाएंगे, थोड़ा देख लेंगे क्या है, फिर मैं नीचे जाके आपको ये भी फोटो या फिर कुछ आपको यहाँ पे दिखा दूंगा मैं। तो गाइस जैसे मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा था तो यहाँ पे सब्सक्राइबर मिले हैं, तो चलो मैं आपसे उनके मिला देता हूँ उनसे। तो देख लो गाइस, जो तो आपका नाम भाई? मेरा नाम दिव्याकांत। दिव्याकांत, ओके दिव्याकांत भाई। और आपका? मेरा नाम मुकेश। मुकेश, प्लीज इनका चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत अच्छा चैनल है। थैंक यू जी आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। थैंक यू भाई आपका भी। थैंक यू आपका ही। यहाँ का सीन जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, बढ़िया से यहाँ पे लग रहा है। मतलब जो ग्रीनरी है वो मतलब दिल को छू जाती है, जैसे आप देख ही सकते हो, अच्छा लगता है ये सब देख के। बट जो मूवीज़ में है गाइस, जैसे आपने बाजीराव मस्तानी में देखा है, एग्जैक्ट वैसे तो नहीं दिखता है क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बड़ी बड़ी थी, काफ़ी बड़ी सब था। बट जो कुछ
या फिर फायर लगी थी या फिर फायर लगाई दी गई थी, एग्जैक्ट बोल नहीं सकते कि हुआ क्या था। तो उस कारण भी बहुत सारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ढल चुका है। तो एग्जैक्ट जो मूवीज़ में आप देख सकते हो वैसा तो आपको कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। और जो कुछ भी है मैं यहाँ पे आपको सारा घूम के आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेशवा फैमिली की पूरी ट्री है यहाँ पे, पेशवा फैमिली जैसे कि ऊपर से फैमिली के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो बाजीराव, तो ये जो मूवी है मैं ये बाजीराव मस्तानी जो मूवी में, तो यहाँ पे बाजीराव तक है और बाजीराव के आगे कुछ यहाँ पे पेशवा के फैमिली के बारे में यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि बाजीराव जो थे वो लास्ट थे जो उनके एम्पायर में ही मराठा साम्राज्य के हाथ में ये शनिवारवाड़ा है वो था, उसके बाद में ये तो अंग्रेजों के पास चला गया था। तो ये थी गाइज आज की वीडियो, जैसे कि शनिवार वाड़ा पे और यहाँ पे बारिश भी देखो आना चालू हो गया है। तो हमें कुछ सजेशन या फिर कुछ रिकमेंडेशन मुझे देना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे हमें बता सकते हो। तो होप करते गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार, वीडियो को लाइक करते जाओ जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है थोड़ा। चलो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में।